बिहार के हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं चिराग पासवान। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग उनको मिला है और चिराग पासवान ने कहा है कि ये जिम्मेदारी वो बड़ी अच्छे से निभाएंगे। 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही जीत की हैट्रिक बनाई है चिराग पासवान ने। साथ ही बिहार में इस चुनाव में उनकी पार्टी LJP-RV यानी कि लोजपा रामविलास ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 100% स्ट्राइक के साथ जीत दर्ज की। जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे उसके बनिस्पत भारत में लगभग 2-3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। और आपको बताते चलें कि बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह और इन्होंने भी पदभार संभाल लिया है। देखिए आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का।